कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब एक स्फेयर, बस अकेला स्फेयर है, बस उसकी कैपेसिटी निकाल दो। एक स्फेयर कंडक्टिंग है, उसका रेडियस आर है, चार्ज इसके ऊपर क्यू है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0qr। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसका चार्ज अपॉन इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू को पुट किया चार्ज से, चार्ज कैंसल आंसर, तो कैपेसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 4πε0R। तो जितना बड़ा स्फेयर होगा उतनी बड़ी उसकी कैपेसिटी होगी, सिंपल। तो दिस इज अ कैपेसिटी ऑफ अ आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब आप सपोज मार्केट गए, जैसे आपने पूछा 1 फैरेड, तो आप दुकान पे जाओ, उसे बोलो एक फैरेड कैपेसिटर निकाल के देना जरा, तो वो देखो क्या निकाल के देगा, अंदर से कितना बड़ा रेडियस का स्फेयर निकाल के देगा। तो कैपेसिटी क्या होती है, 4πε0R। कैपेसिटी अगर 1 फैरेड है और 4πε0R क्या होता है, 9×10⁻⁹, इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर कितना आ गया, 9×10⁶ किलोमीटर के रेडियस जितना वो आपको एक स्फेयर निकाल के देगा। और जो कि इसका साइज क्या होता है, 1500 गुना अर्थ के साइज। ऐसी कौन सी दुकान है जहां पर ये कैपेसिटर रखा जाता है, ऐसी कोई दुकान नहीं है, तो ऐसा कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो व्हेन 1 फैरेड बहुत बड़ा कैपेसिटर होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा स्फेयर की फॉर्म में। इसीलिए कैपेसिटेंसेस किस फॉर्म में मेजर की जाती हैं, माइक्रो फैरेड और पीको फैरेड, छोटे छोटे कैपेसिटर्स माइक्रो और पीको में चलते हैं। ठीक है, यहां तक क्या पॉइंट क्लियर है?